तो ये है मेरा गांव। आज बहुत सालों के बाद आना हुआ है यहाँ पर। सारा बचपन याद आ रहा है। छोटे थे तो यहीं पे आकर के, तब दादी बाबा सब यहीं पे रहते थे, तो बहुत खेलना कूदना सब होता था। बहुत ही अच्छा लग रहा है सब। आप जब पुरानी यादों में आप घूमते हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख करके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि देख करके कह रहे हैं, अरे ये वही है। आप लोग भी को भी मैं घुमाती रहूंगी, थोड़ा थोड़ा सा कुछ क्लिपिंग्स ले रही हूँ तो दिखा रही हूँ आप लोगों को। आज हमारे यहाँ पूजा चल रही है, मेरे मम्मी डैडी और मेरे ताऊ जी ताई जी, ये लोग सब लोग जा रहे हैं गया ठाकुर द्वारा। वो पिंडदान किया जाता है, उसके लिए जा रहे हैं दादी बाबा का करने के लिए। तो वही पूजा चल रही है, उसी के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। और अभी मेरे और भाई बहन सब, ताऊ जी के बच्चे एंड ऑल, सब लोग अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। सभी से मिलवाती हूँ, काफ़ी लोग आ चुके हैं। वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी, आगे सबसे इंट्रोडक्शन करा दूंगी कौन कौन है। सारे मेरे भाई बहन सब बहुत छोटे थे तब हम लोग आया करते थे यहाँ पर। तो चलिए देखिए और आप लोग इन्जॉय करिए। होप करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरा ये गांव का वीडियो, और इन्जॉय करेंगे आप लोग भी मेरे गांव को, सारी चीज़ों को। तो ठीक है, ओके। तो ये देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये पूजा शुरू हो चुकी है। पहले वो पिंडदान वगैरह की पूजा करवाई जाती है। तो मेरे मम्मी डैडी ताऊ जी ताई जी सभी लोग बैठ गए हैं, पंडित लोग बैठ गए हैं, और वो सारे रिचुअल्स सब शुरू हो गए हैं। सबसे पहले सारे फोर फादर्स एंड सिस्टर्स, जितने भी आपके हैं, आपके मतलब जो भी भाई बहन या जो भी होते हैं, जो लोग अब नहीं रह गए हैं, जो मतलब नहीं हैं यहाँ पर, तो उन सबके नाम लिखवाए जाते हैं, उन सबको याद किया जाता है, और उनको याद करके वो सारे रिचुअल्स बनते हैं। ये है मंदिर, देखिए ये शिव जी का मंदिर है जो कि मेरे बाबा ने बनवाया था, और बहुत ही पुराना ये मंदिर है। करीब 100 साल से ऊपर हो चुके हैं इस मंदिर को। फिर इसका रेनोवेशन मेरे मम्मी डैडी और ताऊ जी लोगों ने अभी कुछ दिन पहले, करीब 15 साल पहले इसका रेनोवेशन फिर से कराया था। और ये है मेरे घर के बाहर का जो, जहाँ मंदिर है और जहाँ ये पूजा हो रही है। ये यहाँ पे गाय वगैरह पाली जाती हैं, और यहाँ पे बन रहा है खाना हम सब लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग हो गए थे, करीब 100 से ऊपर लोग हो गए थे, तो उनका खाना सब ये हलवाई लगे थे। और पूरी के लिए आटा सन रहा है, चने की दाल बन रही है, गुलाब जामुन ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, पनीर की सब्ज़ी बनी थी, आलू गोभी की। और जो गांव का खाना होता है ना, उसका तो स्वाद ही कुछ और होता है, क्योंकि मेरे यहाँ सारी चीज़ें घर की ही होती हैं। अब मैं आप लोगों को ले आई हूँ अपने यहाँ घर के अंदर, जहाँ की मतलब मेरी भाभी, और मतलब जो गांव पे भाभी रहती हैं वो मेरी सबसे बड़ी भाभी, उन लोगों के रिलेटिव्स वगैरह सब आए हुए हैं, और भी गांव के अगल बगल के लोग आए हुए हैं। और ये देखिए, ये घर है हमारा, घर अंदर से ये सबके रूम्स हैं, भाभी लोगों के रूम हैं। उधर की तरफ बड़ा सा स्टोर है, स्टोर तो कई सारे हैं। ये मेरे 3rd नंबर वाले भैया हैं जो गांव पे रहते हैं, डॉक्टर हैं ये, और उनका बेटा है बड़ा वाला, ये उनकी बेटी आ गई। तो और ये मेरी चाची की बहू है, बस अभी पिछले साल इसकी शादी हुई है, 1 साल हुआ है, तो सब इसको चढ़ा रहे थे कि मतलब बहू की तरीके से दिखो, और सर पे पल्ला है नॉल, क्योंकि वो गाँव का होता है ना, तो हम लोग बस उसको चढ़ा रहे थे। ये मेरे घर की सबसे बड़ी, हाँ थोड़ी नई बहू है, मतलब सबसे बड़ी भाभी है। और बस देखते रहिए, मुझे आप लोगों को और भी आगे इंट्रोडक्शन कराती रहूँगी। बस हलचल सी मची हुई थी, सब अंदर बाहर कर रहे थे, मैं भी पूरे घर में घूम रही थी, क्योंकि
बहुत सालों के बाद आए थे घर, तो देख रहे थे और ये मेरी चाची हैं और मैं उससे बोल रही थी कि थोड़ा इधर आ जाओ तो और अच्छा सा आएगा। और ये मेरी सेकेंड भाभी भाभी देखिए जो भैया यहाँ रहते हैं, जो डॉक्टर हैं उनकी वाइफ हैं, ये लोग गाँव पे रहते हैं और ये किचन है और बहुत ही ज़्यादा बहुत प्यारी हैं, बहुत काम करती हैं। और अब हम आ गए हैं छत पे और छत पे देखिए वो सफ़ेद पेठा जो होता है ना कद्दू सफ़ेद वाला, वो लगा हुआ है बहुत ढेर सारा। और मैं बार बार भैया से बोल रही थी कि मुझे तो जल्दी मिलता नहीं है। और ये मेरे छत से सारा दिख रहा है, पूरा ये मेरा गांव सारा दिख रहा है। और ये मेरे बाबा का ही बसाया हुआ है, मेरे बाबा के पास 4 गाँव थे तो मतलब अभी भी हैं, बट काफ़ी कुछ सब इधर उधर हो जाता है जैसे आपको पता है। और ये देखिए ये मेरे ताऊ जी का बेटा है, जो मेरे ताऊ जी लखनऊ में हमारे मम्मी डैडी के साथ रहते हैं वो है। ये इधर देखो, इधर तनु, इधर देखो बेटिया है मेरी, ताऊ जी की बेटी। और ये मेरा भतीजा है, बहुत ही नॉटी है। और ये मेरी दीदी, ताऊ जी की बेटिया बड़ी वाली सेकेंड। और ये मेरे हस्बैंड हैं जो कि मजाक कर रहे हैं सब, हम लोगों ने काफी वेट लूज किया। ये मेरा भाई है और हम लोगों ने काफी वेट लूज कर दिया है, तो सब बड़े देख करके कह रहे हैं अरे ये क्या हो गया है, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है सबका, अंदर आ गए हैं। ये सब मेरी दीदियाँ हैं, भाभी लोग हैं, सब लोग हैं और मेरा भाई है। तो चलिए अब हम आपको खेतों की तरफ लेकर के चलते हैं। ये सारे खेत सब हम ही लोगों के हैं और ये सारी शूटिंग बच्चों ने की थी, बच्चे लेकर के चले गए थे घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग तो घर पे वो पूजा वूजा चल रही थी तो हम लोग नहीं जा सकते थे। बच्चे सारी अपनी पूरी, जितने हम लोगों के बच्चे हैं अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ गई है, वो गई थी देखने के लिए, क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था उन लोगों के अंदर कि हमें गाँव देखना है, क्योंकि अब ऐसा माहौल और ऐसी सब चीज़ें तो शहरों में कहीं देखने को मिलती नहीं है। और बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। अभी आप आगे देखेंगे कि किस तरीके से मेरा भतीजा पेड़ वेड़ पर भी चढ़ा है, ये देखिए बंदर की तरीके से लटक गया है ये बिल्कुल। और सब बच्चे थोड़ा सा मैंने, और ये मेरा बड़ा बेटा है और ये सब ऐसे ही शूट कर रहे थे। खूब इंजॉय किया इन लोगों ने, गांव के लोग और मेरी थोड़ी एक दो कज़न्स भतीजियां वगैरह जो वहां पे रहती हैं वो लोग लेकर के गए थे इन लोगों को घुमाने के लिए कि चलो तुम्हें तुम्हारा गांव दिखा दें, तुम्हारे मम्मी का जो घर है मेन घर वो। तो वही ये सब घूम रहे हैं, आप लोग भी देखिए। अभी ये देखिए चढ़ जाएगा पेड़ के ऊपर। और खूब इंजॉय किया बच्चों ने गाँव का माहौल और वहाँ का जो फ्रेश एटमॉस्फेयर होता है, किसी भी यहाँ पे मास्क की ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्रेश एयर है, नो पोल्यूशन, नथिंग। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो आप लोग भी थोड़ा देखिए, फिर आगे मैं बताती रहूँगी जो जो चीज़ें हो रही हैं। और ये मेरा बंदर चढ़ गया है ऊपर पेड़ के ऊपर और बच्चे खूब चढ़ा रहे हैं और ऐसा ऐसा चढ़ा रहे थे कि मुझे वो पूरा म्यूट करना पड़ा उसको बहुत चढ़ाया गया है इसको यहाँ पर। ये सब हमारे खेत हैं। और जब हम छोटे थे और आते थे तो बोला जाता था बेटा देखो कहाँ तक देख रहे हो, सब तुम लोगों का है। और ये अब हम वापस आ गए हैं। अब पहले बाहर पूजा हो रही थी, अब घर के अंदर हो रही है। जो घर का आंगन था वहाँ पे मेन पूजा होती है, पिंडों को बांधा जाता है या जो भी रिचुअल्स हैं वो सारे हो रहे हैं। सब पंडित बैठ करके करा रहे हैं सारी चीज़ें और फिर वो बांध बांध दिया जाता है, फिर दिया जाता है और फिर अक्षत दिया जाता है, मतलब चावल। ये लोग पूरे घर में और पूरे गाँव भर में मम्मी डैडी ताऊ जी सब लोग घूमे थे पैदल और सबके घरों पे गए थे, सब लोगों ने पैर छुए, अपने अपने घर से चावल दिए और बहुत सारी रिचुअल्स होते हैं। हमने भी फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस किया था, ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था। तो ये देखिए ये लोग तैयार हो चुके हैं अब जाने के लिए। अभी पहले पूरे घर में घूमेंगे और हर कमरे हर जगह पे वो चावल छिड़कते हुए जाएंगे और वो बोला जाता है कि आप इन्वाइट करते हो अपने सारे एंसेस्टर्स हम जा रहे हैं गया हमारे साथ आपके सामने बस बस और वहाँ हम आपकी पूजा करेंगे। तो ये कुछ लाइंस बोली जाती हैं जो कि ये लोग बोलते बोलते घूम रहे थे। और अब हम घर के बाहर आ गए हैं, ये लोग पूरे गांव में गए थे, हम लोग भी पीछे पीछे गए थे और
बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही फेस्टिवल की तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और कहा जाता है कि जो आपके फादर्स हैं और जो मतलब आपके दादी बाबा एंड ऑल सब लोग जो हैं बहुत ही खुश होते हैं ये देख करके कि उनका इतना बड़ा घर है, उनके पीछे इतने सारे लोग हैं जो कि मतलब अब जो है उनके लिए इतना उनको याद किया जा रहा है। तो बहुत ही, और मेरे दादी बाबा बहुत ही अच्छी एज लेकर के गए थे, बहुत ही हेल्दी अच्छी एज लेकर के गए थे। तो मतलब जाना तो सभी को है, एक बार एक दुख का भी क्षण आता है कि वो लोग हम लोगों के बीच में नहीं हैं, बट ये भी देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उनके पीछे से इतना बड़ा बाद हम लोगों ने बैठा दिया मम्मी डैडी सब लोगों को कार में, और वो लोग निकल गए हैं। ये हमारे घर के कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, और इन सब की पूजा हुई थी, और ये कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी हम सब लोगों ने, सब भाई बहनों ने, भाभियां हैं, घर के सब लोग हैं। तो होप करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा ब्लॉग, और चलिए फिर मिलती हूँ एक नई कुछ नई ब्लॉग के साथ या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।